वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, प्रियंका चौहर चौधरी या फिर सुंबुल तौकीर खान, इन दोनों में से कौन बनेगी एकता कपूर की अगली नागिन, इस बारे में बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हो रही थी। फैंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर कौन है एकता कपूर की अगली नागिन। तो दोस्तों, कर दिया है आखिरकार एकता कपूर ने सबसे बड़ा ऐलान, कौन बनेगी नागिन साथ में उसकी अगली सबसे बड़ी नागिन। बताएंगे आपको इस खबर के पीछे की पूरी अपडेट, लेकिन उससे पहले चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के बाहर निकलने के बाद फैंस लगातार एकता से सवाल कर रहे थे। कभी किसी को प्रियंका चाहर चौधरी लगती हैं तो कभी कोई सुंबुल का नाम लेता है, लेकिन एकता कपूर ने इस बारे में सस्पेंस बनाए रखा था। पर दोस्तों, आखिरकार आपको बता दें कि इस खबर से पर्दा उठ चुका है। जी हां, एकता कपूर ने ऐलान कर दिया है कि नागिन साथ में उसने किसे कास्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें, एकता कपूर ने नागिन साथ के लिए सुंबुल तौकीर खान को पूरे तरीके से कंफर्म कर लिया है। हाँ, सुंबुल के फैंस इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सुंबुल तौकीर खान पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी हैं और कोई नहीं बल्कि एकता के सबसे बड़े सीरियल नागिन साथ के लिए। तो वहीं दोस्तों, ये खबर भी है कि प्रियंका चाहर चौधरी एकता की पहली पसंद थी, लेकिन एकता कपूर प्रियंका को नहीं सिलेक्ट कर पाई क्योंकि प्रियंका की टीम के पास काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवी प्रोजेक्ट्स भी थे। जी हाँ, यही वजह है कि प्रियंका की टीम ने एकता के सीरियल को साइन नहीं किया। क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।